Assalamualaikum everyone. So welcome back to the video. And as you guys all know, a lot of people have been asking कि stop loss किस तरह लगता है, ठीक है, उसके पीछे rationale क्या होता है, short sell के ऊपर stop loss का order किस तरह लगता है, ठीक है, और most importantly trailing stop loss है क्या और उसको यूज किस तरह करना है और ट्रेल किस तरह करने हैं अपने स्टॉप लॉस, ठीक है. सो लेट्स जस्ट जंप ऑन टू व्हाट्सएप क्विकली एंड लेट्स से यू रिसीव दिस मैसेज बाय DGKC 57.1, ठीक है, स्टॉप लॉस टू बी ऑब्जर्व एट 55, टारगेट प्राइस 60.2, टारगेट प्राइस 61.4, ट्रेल स्टॉप्स विद टारगेट्स, ठीक है. लेट्स से ये आपके पास मैसेज आ जाता है. अब इस मैसेज का करना क्या है, अब देखो, अब इसमें अगर गौर से देखो तो देर आर फोर ट्रेड्स, 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्डर्स, ठीक है, 1, 4 ऑर्डर्स, 1, 2, 3, 4. अब इसको मैंने प्लेस किस तरह करना है. अब अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डूइंग इज, जो मसला उनके साथ पेश आ रहा है वो ये है कि जब वो शुरू में अपना लेट्स से बाय का ऑर्डर लगाते हैं, यहाँ पे लेट्स से आई बाय DGKC 1000 एट 57.1 जिसका मैंने मैसेज किया, और वो यहीं पे स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर रहे हैं. अभी कुछ भी नहीं करना, अभी सिंपल लिमिट ऑर्डर करके आपने अपना बाय एग्जीक्यूट करना है, ठीक है. जैसे ही मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया, ये मार्केट में चला गया, न्यू बाय ऑर्डर ऑफ 1000 DGKC इज रिसीव्ड, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट क्विकली जंप ऑन टू द चार्ट एंड सी के सीन्स क्या है, ठीक है. 57.1 दिस इज माई बाइंग प्राइस, एक सेकेंड, ठीक है, दिस इज माई बाइंग प्राइस, यहाँ पे मैंने बोला बाय कर लो, ठीक है. अब यू हैव एग्जीक्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर, नाउ व्हाट इज योर जॉब, टू प्लेस अ स्टॉप लॉस एट 55, वेयर इज इट, हियर, ठीक है, यू प्लेस अ स्टॉप लॉस एट 55 ओवर हियर. अब इस ऑर्डर को लगाना है आपने ताकि जब प्राइस नीचे आए और यहाँ पे हिट हो तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर यहाँ पे फिल हो जाए, ठीक है, यू डोंट हैव टू प्लेस अ फ्रेश ऑर्डर. सो इसको करने के लिए यू गो टू योर टर्मिनल अगेन एंड अब देखो हमने बाय किया हुआ है ना, तो स्टॉप लॉस की सूरत हमारी क्या होगी ट्रेड क्लोज करने के लिए, सेल ऑर्डर, ठीक है. तो हम यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाएंगे, वील पुट 1000. अब यहाँ से सबसे पहले सेलेक्ट करो स्टॉप लॉस, ठीक है, प्राइस में यू विल राइट 55 एंड ट्रिगर प्राइस में यू विल राइट लेट्स से 56, लेट्स से, ठीक है. अब लॉजिक क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है. ट्रिगर प्राइस इज 56 और लिमिट प्राइस इज 55. लिमिट प्राइस ये वो प्राइस है जिसपे आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर फिल होगा. ट्रिगर प्राइस वो है जिसपे आपका ऑर्डर ब्रोकर के पास जाएगा कि यार मेरा स्टॉप लॉस ऑफ 55 लगा दो. अगर मैं 57 का लगाऊंगा तो जैसे ही प्राइस 57 पे हिट होगी तो साथ ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, सॉरी मेरा जो ऑर्डर है वो ब्रोकर के पास चला जाएगा कि मेरा स्टॉप 55 पे लगा दो, ठीक है. सो ट्रिगर प्राइस इज ओनली द प्राइस एट विच यू वांट के ब्रोकर को नोटिफिकेशन मिल जाए कि इस प्राइस पे कवर कर लो, समझ आई, ठीक है. सो ट्रिगर प्राइस ये ऑब्वियसली दोनों प्राइसेज आपकी उससे नीचे होंगी, जो करंट मार्केट प्राइस है या आपकी अपनी बाइंग प्राइस जो है, ठीक है, उससे नीचे होनी चाहिए, करंट मार्केट प्राइस से नीचे होनी चाहिए. सो लेट्स से आई प्लेस अ ट्रिगर ऑफ 56 एंड प्लेस दिस ऑर्डर. ठीक है, अभी ऑब्वियसली ऑर्डर रिजेक्ट होगा क्योंकि मार्केट क्लोज है और लिमिटेड ऑर्डर्स उसमें प्लेस होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स प्लेस होते हैं. खैर एनीवेज, अब मैंने स्टॉप लॉस अपना ऑर्डर भेज दिया 55 की लिमिट प्राइस लगा के और 56 की ट्रिगर प्राइस जिस पे ब्रोकर को नोटिफिकेशन जाएगी यार सिकंदर के अकाउंट में 55 का स्टॉप लॉस लगा दो DGKC पे. ठीक है, सो लेट्स लुक एट, विल कम बैक टू द चार्ट्स अगेन. लेट्स से यहाँ से प्राइस गिरना शुरू होती है 57.1 पे, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड द मोमेंट इट हिट्स 56, जैसे यहाँ पे पहुँचती है साथ ही एक सेकेंड, वेयर इज दैट, साथ ही यहाँ पे ब्रोकर को नोटिफिकेशन चली जाएगी कि यार सिकंदर का स्टॉप लॉस प्लेस कर दो एट 56. तो ऑटोमेटिकली जैसी प्राइस यहाँ हिट होगी 55 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस प्लेस हो जाएगा. ठीक है, सो ट्रिगर प्राइस इज ओनली द प्राइस एट विच यू वांट योर ब्रोकर टू नो कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है. ठीक है,
यहाँ पे जब स्टॉप लॉस लगाओगे, जैसे ही यहाँ प्राइस आएगी ऑटोमेटिकली आपकी बाइंग पोजिशन क्लोज हो जाएगी, ठीक है? सो डज दिस मेक सेंस? होपफुली, ठीक है, आई कांट हेयर यू बैक बट होपफुली, ठीक है? सो कमिंग हेयर, हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर वन वॉज बाय, ऑर्डर टू वॉज स्टॉप लॉस, जिसमें नॉर्मल लिमिट प्राइसेस, द प्राइस एट विच यू वॉन्ट योर स्टॉप लॉस, और इन इजी वर्ड्स लिमिट ऑर्डर, ठीक है? लिमिट प्राइस ये होती है। इसी तरह वो क्या होती है, ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस इज बेसिकली द प्राइस एट विच यू वॉन्ट द ब्रोकर टू नो वेयर टू प्लेस स्टॉप लॉस, ठीक है? सिंपल एज दैट, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा ये है, आपने इस तरह करना है, ठीक है? और अच्छा, मैं ऑब्वियसली ट्रिगर प्राइस नहीं बताऊंगा, ट्रिगर प्राइस कोई भी हो सकती है। आपने लिमिट प्राइस जो मैं बताऊंगा वो बेसिकली ये वाली प्राइस है, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ द प्राइस स्टार्ट्स टू गो इन आवर फेवर, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस टू बी ऑब्जर्व एट 55, लेट्स से सिनेरियो वन में हमने बाय किया था। अच्छा अब ये देखें, अब लोग टेस्ट मैसेज का पूछ रहे हैं कि बट क्या हम लोगों ने तो शॉर्ट किया हुआ है। ऑफ कोर्स मैंने भी शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन टेस्ट मैसेज बॉयज, टेस्ट टेस्ट मैसेज, खैर एनीवेज, ठीक है? तो पहला क्राइटेरिया हमारा, पहला सिनेरियो हमारा हो गया। नाउ लेट्स लुक एट टारगेट प्राइस वन एंड टारगेट प्राइस टू एंड हाउ टू ट्रेल स्टॉप्स विद टारगेट्स। ओके, सो लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं अगेन 57.1 पे, एंड आई टेल यू टू बाय, और आप क्या करते हो, सबसे पहले DGKC F4 टू बाय, नॉर्मल आपने अपना यहाँ पे वो लगाया ऑर्डर 57.1, और ये जितने मैंने ऑर्डर लगा लिए ना, ये कहीं मैं भूल गया अगर फिल करना तो ये कल मसला बन सकता है। खैर एनीवेज, ऑफ करना तो खैर एनीवेज, बाय ऑर्डर लगा लिया, ठीक है? नाउ योर बाय ऑर्डर हैज़ फिल्ड एंड लेट्स से प्राइस स्टार्ट्स टू मूव इन आवर डायरेक्शन, ठीक है? आपने अभी स्टॉप लॉस कहाँ लगाया हुआ है, 55 पे। अब जैसे ही प्राइस यहाँ से जाना शुरू होती है टूवर्ड्स आर टारगेट्स एंड लेट्स से वो 60.2 को हिट कर जाती है, विच वॉज आई थिंक आर फर्स्ट टारगेट, या 60.2, ठीक है? 60.2 को हिट कर जाती है तो वो हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया। जैसे ही हमारा पहला टारगेट अचीव होता है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस, ठीक है? ट्रेल योर स्टॉप लॉस का क्या मतलब है, ट्रेल का मतलब क्या होता है, ट्रेल का मतलब होता है फॉलो करना, ठीक है? तो आपने अपने स्टॉप लॉस को फॉलो कराना है। जैसे ही आपकी पहली टारगेट प्राइस मीट हो गई, आप क्या करोगे, आप जाओगे अपने टर्मिनल के अंदर और ट्रेडिंग में जाके, ऑर्डर्स में जाके, ठीक है? अल्लाह अकबर, तो पहले आप अपना जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो कैंसिल करोगे, ठीक है? राइट क्लिक और कैंसिल कर दोगे जितने भी लगे हैं। अभी तो पहले बाय वाले कैंसिल करें हम, ठीक है? सो यस डन। खैर एनीवेज, तो आप अपना पुराना स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर कैंसिल करोगे और फिर फ्रेश ऑर्डर लगाओगे। यहाँ पे आओगे दोबारा, क्या करना है, F5 सेल ऑर्डर 1000। नाउ वी नो, 10 नहीं 1000, ठीक है? नाउ वी नो द प्राइस इज ट्रेडिंग एट लेट्स से 61 60, एंड वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर दें, ताकि जब प्राइस अगर लेट्स से गलती से भी, गलती से नहीं मतलब लेट्स से प्राइस डिसाइड्स टू टर्न बैक फर्स्ट एंड स्टार्ट्स कमिंग डाउन, वी डोंट वॉन्ट टू गेट ट्रैप्ड इन दिस एंड वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आर प्रॉफिट गेट्स बुक्ड एट आर फर्स्ट टारगेट प्राइस, ठीक है? सो व्हेन आई से ट्रेल योर स्टॉप लॉस, तो उसका मतलब है कि आपने अपना स्टॉप लॉस नया यहाँ पे लगाना है, सही है? अब उसको किस तरह लगाना है, अगेन सेम प्रोसीजर, यहाँ पे जाओगे, सिलेक्ट करोगे प्राइस क्या, 61.2 नहीं 60.2, और स्टॉप लॉस, और अभी कितने पे ट्रेड हो रहा है, लेट्स से यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 61 पे, तो मैं ट्रिगर कहाँ पे करना चाह रहा हूँ, कहीं पे भी इधर से लेके इधर तक कोई भी प्राइस डाल सकता हूँ, लेट्स से 60.5। मैं कहता हूँ 60.5 पे जैसे ही आए,
तो मेरे ब्रोकर को नोटिफिकेशन मिल जानी चाहिए कि सिकंदर का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। सो 1000 एंड दिस गोज 60.2, एक सेकेंड, 60.2, और मैंने अपना स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर लिया एट 60.5, ट्रिगर लगा दिया और 60.2 पे ट्रेल कर लिया। मैं यहाँ से दोबारा अपना ऑर्डर भेज दूंगा और जैसी प्राइस 60.5 हिट करेगी तो ब्रोकर को मैसेज चला जाएगा कि स्टॉप लॉस लगा दो 60.2 पे, ठीक है। तो जैसे ही अगर प्राइस यहाँ पे आती है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा सेल ऑर्डर लगा होगा तो एकदम हिट हो जाएगा और मेरी जो पोजिशन है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। क्यों ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि जो मैंने इतना बड़ा यहाँ से, इतना बड़ा तो नहीं है खैर, जो प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया है वो लूज ना होना शुरू हो जाए, वो प्रोटेक्ट हो जाए। दैट इज़ वाई आई पुट अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। नाउ लेट्स से के प्राइस जो है वो यहाँ से आती है, इसको भी क्रॉस कर जाती है एंड इसको भी क्रॉस कर जाती है। इसको जैसे ही क्रॉस करती है, व्हाट डू आई वांट टू डू, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस हुआ हुआ था, मैंने अब उसको ट्रेल करना है। सो आई विल गो बैक टू माई टर्मिनल, कैंसिल दैट ओल्ड ऑर्डर एंड प्लेस ए न्यू ऑर्डर ऑन द नेक्स्ट टारगेट प्राइस। मैं यहाँ पे दोबारा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, लेट्स से प्राइस यहाँ पे आ जाती है समवेयर अराउंड 63.3, तो मैं यहाँ पे दोबारा स्टॉप लॉस लगाऊंगा नया ऑर्डर, जिसमें मैं ट्रिगर प्राइस कहीं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। ये कोई भी प्राइस हो सकती है, ठीक है, दिस डज नॉट हैव टू बी स्पेसिफिक, दिस ओनली नीड्स टू बी बिलो दिस करंट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं 62.5 पे ऑर्डर ट्रिगर प्राइस दे देता हूँ कि यार जब ये प्राइस यहाँ से हिट हो तो ब्रोकर को ऑर्डर चला जाए और नोटिफिकेशन चली जाए कि सिकंदर का स्टॉप लॉस लगाना है कहाँ पे, यहाँ पे 61.4। सो अगेन आई विल डू, व्हाट आई विल डू इज गो टू DGKC एंड प्लेस अ सेल ऑर्डर ऑफ 1000 विद स्टॉप लॉस प्राइस ऑफ 61.4 एंड ए ट्रिगर प्राइस ऑफ 62.5। जब 62.5 पे हिट होगी तो ब्रोकर को नोटिफिकेशन चली जाएगी कि 61.4 पे स्टॉप लॉस लगा दो। आई क्लिक हियर 1616, एंटर, ठीक है, ये ऑर्डर ब्रोकर के पास चला गया। नाउ एक और चीज़, आखिरी चीज़, ठीक है, एंड दिस माइट बी गेटिंग अ लिटिल बोरिंग बट इट्स इम्पॉर्टेंट। खैर, यहाँ से लेट्स से प्राइस ऊपर जाना शुरू होती है और मेरा आखिरी स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज लेट्स से कि यहाँ पे मेरा टारगेट डिफाइंड है, आखिरी जब एग्जिट हो गई तो प्राइस जब यहाँ पे आना शुरू होती है, एक सेकेंड, सॉरी, लेट्स से दिस एंड लेट्स से प्राइस स्टार्ट्स कमिंग ओवर हेयर 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 एंड इट हिट 65 66। ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, मुझे पता है अगर यहाँ से रिजेक्शन आई तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ बुक प्रॉफिट्स। लेट्स से एक और मैसेज आता है, बुक प्रॉफिट एट 66.4। तो नाउ व्हाट डू यू वॉन्ट टू डू, आपकी बाइंग पोजिशन है 1000 की, तो यू वॉन्ट टू सेल इट, बट बिफोर यू सेल इट वट यू हैव टू डू इज गो टू योर ट्रेडिंग ऑर्डर्स एंड यहाँ से अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कैंसिल करोगे पहले, फिर दोबारा यहाँ पे आओगे नॉर्मल ऑर्डर पे और नॉर्मली यहाँ पे F4 करके, सॉरी F5 करके 1000 एंड 60 कितने पे थी, 66 या 66.5 पे अपना सेल ऑर्डर लगा के एग्जिट ले लोगे। सो बिफोर यू सेल यू हैव टू कैंसिल एनी स्टॉप लॉस ऑर्डर जो पीछे पड़ा हुआ है। आई होप दिस मेक्स सेंस के ट्रेल हम क्यों कर रहे हैं। नॉर्मली ग्लोबल मार्केट्स में या जो वो आते हैं उनके प्लेटफॉर्म्स हैं फॉरेक्स वालों के, उनमें ये होता है कि आप 10 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा दो तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेल होता रहता है, खुद ब खुद यहाँ साथ साथ चलता जाता है और जैसे ही प्राइस 10 पिप्स थोड़ी सी रिवर्स होती है वो यहाँ पर काट देता है, ठीक है। ये फैसिलिटी उसमें नहीं है, PSX में नहीं है, तो ट्रेल करने के लिए आपको पुराना स्टॉप लॉस कैंसिल करके जब आपकी प्राइस ब्रीच कर जाए नए लेवल पर, यहाँ स्टॉप लॉस ये वाला कैंसिल किया और यहाँ पर लगा दिया। इसी तरह प्राइस जब यहाँ से यूँ ब्रीच करके यहाँ जाती है तो मैं ये वाला स्टॉप लॉस कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा, और जब इस लेवल पे आती है और मैं यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आई विल हैव टू कैंसिल द प्रीवियस स्टॉप लॉस और यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा दूंगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट सेल और उसके ऊपर हमने ऑर्डर किस तरह लगाना है। नाउ लेट्स से, एक सेकेंड, इसको पहले डिलीट करते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट। नाउ आज सुबह वाले मैसेज को देख लेते हैं,
ठीक है, व्हाट वाज द ऑर्डर? वेयर इज द मैसेज? ये रहा, ठीक है। लेट्स से हमने ये लगाया, इट ब्रोक 57। एक सेकेंड, इस वाला नहीं, आज वाला देखते हैं, वेयर इज दैट? खैर एनी वेज इसको भूल जाओ। लेट्स जस्ट से आई यू गेट अ मैसेज कि स्टॉप लॉस आपने लगाना है, सॉरी यहाँ पे समवेयर अराउंड, लेट्स से हमारा स्टॉप लॉस लेवल हो गया, लेट्स से प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है समवेयर अराउंड हेयर। आज हमने कहाँ पे किया है, 59 पे किया है ना, लेट्स से यहाँ पे ट्रेड कर रही है 59.5 60, जस्ट लेट्स कीप इट टू 60। लेट्स से प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है और आपको मैसेज आ जाता है एकदम से, व्हाट्स द मैसेज, गो शॉर्ट एट 60, स्टॉप लॉस एट यहाँ पे कितना बनता है ये 61.9, तो 62, टीपी 1 एट 57.2 थी ना आज की पहली, यस दैट गॉट डन, 57.2 टीपी 2 इज बेसिकली समवेयर अराउंड हेयर। अच्छा कल का बाय द वे, कल अगर डीजेकेसी यहाँ पे आता है, वी हैव टू सी, अगर यहाँ से रिबाउंड होने लग जाता है तो वी विल क्लोज, ठीक है, 55.6, ठीक है। लेट्स से एंड अगेन ट्रेल योर स्टॉप्स, अब ये मैसेज आ जाता है, अब इसका क्या करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस यहाँ पे खड़ी हुई है और मैं यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहला ऑर्डर मैंने क्या प्लेस करना है, शॉर्ट सेल का। अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखना है, व्हेन आई गिव यू दीज रेट्स तो आपने याद रखना है कि ये रेडी मार्केट का रेट है, दिस इज नॉट द फ्यूचर मार्केट रेट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स से डीजीकेसी शॉर्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको इसको शॉर्ट करना है, तो लेट्स से अब यहाँ पे पहले गैप देखो कि दोनों की प्राइसेस में डिफरेंस कितना है, 10 पैसा, ठीक है, ये फ्यूचर जो है 10 पैसा एक्स्ट्रा पे ट्रेड हो रहा है। सो इफ आई से डीजीकेसी शॉर्ट एट 60, यू वांट टू शॉर्ट दिस एट 60.1, ठीक है। इसी तरह अगर इसका टारगेट मैं 50 देता हूँ तो इसका टारगेट क्या होगा, 50.1, ठीक है। तो जितना भी इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस होता है आपस में, उसका मार्जिन रख के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके चार्ट्स नहीं होते फ्यूचर मार्केट के, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो खैर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला ऑर्डर क्या था, गो शॉर्ट एट 60। तो पहला काम मैं क्या करूँगा, लेट्स से 10 पैसा का डिफरेंस है तो मैं यहाँ पे आता हूँ, F8 दबा के मैं शॉर्ट सेल का ऑर्डर प्लेस करूँगा 1000, एंड आई विल पुट द प्राइस एज 60.1, और यहाँ पे शॉर्ट सेल सिलेक्ट हुआ है और ये ऑर्डर नहीं लगेगा वैसे, ठीक है। खैर एनीवेज लेट्स से ये ऑर्डर लग जाता है और मेरा शॉर्ट फिल हो जाता है, एंड नाउ द प्राइस स्टार्ट्स मूविंग। पहले तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, स्टॉप लॉस किस तरह लगेगा अब 61.4 पे। अब देखो होता ये है कि जब हम बाय करते हैं तो हमें पता है प्राइस ऊपर जाएगी, ऊपर जानी चाहिए, लेकिन अगर वो नीचे आती है तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देते हैं। यहाँ पे हम बाय पोजीशन क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, सेल। इसी तरह जब प्राइस नीचे जा रही होती है तो हमने बेट किया होता है कि नीचे जाएगी, ठीक है, तो हमने शॉर्ट किया हुआ है। अगर ये उल्टा चलने लग जाती है तो क्या होगा, लॉस होगा, और उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने स्टॉप लॉस लगाना है। और एक शॉर्ट ट्रेड को क्लोज किस तरह करते हैं, हम बाय ट्रेड से, ठीक है। सो अब इस चीज़ को ध्यान में रख लिया, जब शॉर्ट कर दिया यहाँ पे तो अब उसका बाय ऑर्डर के सॉरी स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होगा, एक बाय ऑर्डर होगा, यहाँ पे जाके F4 एंड व्हाट डू आई पुट ओवर हियर 1000। यहाँ पे मैं अगेन पहले मैं लिमिट से सिलेक्ट करूँगा स्टॉप लॉस। अब देखो आपका ब्रोकर कह रहा था नहीं आता, लेकिन आता है, ठीक है, और मैंने क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने का लगाना है, 62 का। ट्रिगर प्राइस क्या होती है, जहाँ पे ब्रोकर को नोटिफिकेशन चली जाए, आई वांट द ब्रोकर टू नो व्हेन प्राइस क्रॉसेस दिस टू पुट अ स्टॉप लॉस ओवर हियर, ठीक है, 62 पे। तो मैं ये डिफाइन कर देता हूँ 61 पे, ये मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने ये कर दी 61। एक सेकेंड दीजिए किसी जुलाई, सो आई विल पुट अ बाइंग ऑर्डर 1000 60
62 is my, sorry, एक मिनट पहले इसको चेंज कर लो, स्टॉप लॉस 62 is the price that I want to cover at and 60.5 is the price at which I want the broker to know कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है, बाय, ठीक है, ये ऑर्डर अगेन मार्केट में चला जाएगा और जब प्राइस लेट्स से किधर गया यार, लेट्स से प्राइस जब यहाँ से मूव होना शुरू होती है एंड यहाँ पे जैसे ही आती है मेरे आई वांटेड टू गो डाउन बट इट स्टार्ट्स मूविंग अगेंस्ट मी एंड द मोमेंट इट हिट्स हेयर 60.5 तो ब्रोकर को ऑर्डर चला जाएगा कि यार सिकंदर का स्टॉप लॉस लगा दो एट 62, ठीक है, ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस प्राइस, शॉर्ट सेल को कवर करने के लिए क्या करते हैं, बाय ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है, सेम थ्योरी अगेन जब यहाँ पे जाएगा एंड इट रीचेज माई फर्स्ट टारगेट ओवर हेयर, एक सेकेंड 57.2 और मैंने मैसेज लिखा हुआ है ट्रेल योर स्टॉप्स, तो इसका मतलब ये है कि जब प्राइस यहाँ से ब्रेक करेगी तो आप अपना ये वाला स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल करके यहाँ पे फ्रेश स्टॉप का ऑर्डर लगाओगे, वो किस तरह लगेगा, अगेन बाय लिमिट प्राइस 57.1 ट्रिगर प्राइस जो भी हो, ठीक है, तो आई वॉन्ट के अब ये करने का पर्पज़ ये है कि लेट्स से प्राइस यहाँ से रीबाउंड कर जाती है तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि बिफोर इट क्रॉसेज दिस एरिया मेरा जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाए, ये जो मैंने प्रॉफिट गेन यहाँ पे किया है, ठीक है, एंड लेट्स से वो फाइनली मेरे एक टारगेट को हिट कर लेता है, सॉरी आखिरी टारगेट को हिट करता है, अब मुझे पता है कि यहाँ से रीबाउंड जो है वो बहुत श्योर है, मेरा टारगेट पूरा हो गया, तो मैंने अगर यहाँ कवर करना हो तो मैंने जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा बाय ऑर्डर बेसिकली फ्यूचर मार्केट में उसको मैं कैंसिल आउट करूँगा और यहाँ पे नया बाय का ऑर्डर लगा के जो नॉर्मल लिमिट ऑर्डर होगा उससे कवर कर लूँगा, ठीक है, सो दिस इज इट, सेम टू सेम जो जिस तरह सेलिंग वाला एक्सप्लेन किया है उसी तरह एग्जैक्ट वही सेम स्टोरी है शॉर्ट सेल के ऊपर, ठीक है, उसी तरह लगाओगे उसी तरह फिल होगा, सेम टू सेम फंक्शन है लिमिट प्राइस का और ट्रिगर प्राइस का, एक इसमें वीडियो में वो कर लेते हैं सप्लीमेंट्री एक चीज़ है, अच्छा बहुत सारे लोगों को एक मसला आ रहा है कि वो जब यहाँ पे जाते हैं तो उनके पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आ रहा, ठीक है, और यहाँ वाला आई एम नॉट श्योर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अब मैंने ये किया है, मैंने इस शीट को एक्सेस दे दिया आपको यहाँ पर कि आप यहाँ पर अगर जिन लोगों के पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आ रहा अगर वो लॉन्ग ट्रेड की बात कर रहे हैं तो देखें लॉन्ग मतलब बाय कर रहे हैं तो वो यहाँ पे सिंपली लॉन्ग लिखते हैं, ठीक है, मैनुअली टाइप कर दें दे कैन डू दैट, यहाँ पे शॉर्ट टाइप कर दें, इसी तरह अगर उनके पास ट्रेड टाइप में ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी दे कैन टाइप लॉन्ग और शॉर्ट, यू हैव टू पुट दीज एंड दीज टू मेक श्योर कि दिस शीट कीप्स ऑन वर्किंग, ये भी डालोगे और स्टेटस में ओपन क्लोज है कोई और वो नहीं है रॉकेट साइंस नहीं है तो क्लोज्ड है, क्लोज है, क्लोज्ड ओपन और क्लोज्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे ये डाल दोगे, लॉट साइज में कुछ लोगों को इशू आ रहा है, अच्छा लॉट साइज आपने स्टैंडर्ड वो लेनी है जो स्क्रिप्ट की होती है, अगर वो 500 की लॉट में ट्रेड होता है यू सेलेक्ट 500, इफ इट ट्रेड्स इन लॉट्स ऑफ 100 देन यू सेलेक्ट 100, एनी वैल्यू टेक यू टेक इन बिटवीन इज लेट्स से आई डू दिस, तो ये क्यों आ रहा है 100, यहाँ पे मुझे वो नीचे आंसर्स नहीं देगा अगर मैं लॉट साइज गलत लूंगा 40, ठीक है, इट डजेंट गिव मी एनी आंसर, सिमिलरली कुछ लोगों के पास यहाँ पे चेक इनपुट आ रहा है, चेक इनपुट तब आता है जब आप कोई अपने पैरामीटर्स में गलती करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे गलती करते हो या एंटर ही नहीं करते हो तो ये चेक इनपुट्स आएंगे, ठीक है, इफ़ यू डिफाइन योर ट्रेडिंग प्राइस एज एट 60 और शॉर्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस क्या होता है, आपकी प्राइस से ऊपर होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन आप गलती से नीचे डिफाइन कर देते हो तो अगेन ये एरर दे देगा, ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एरर्स, सो दिस इज अबाउट इट, लेट मी सी इफ एनीथिंग एल्स नीड्स टू बी डन इन द शीट, नो, ठीक है, सो आई होप द स्टॉप लॉस प्रॉब्लम इज क्लियर नाउ एंड शीट को किस तरह ऑपरेट करना है दैट इज क्लियर नाउ एज वेल, ये वाला इशू उन लोगों के पास आ रहा है जिनके पास ऑफिस 2010 है, सो इफ यू अपडेट टू ऑफिस 13 और ऑफिस 2016 और 19 तो ये मसला आपके पास नहीं आएगा, ठीक है, होप दिस इज क्लियर नाउ, आई विल सेंड दिस टू यू गाइस, दिस इज पोर्टफोलियो ट्रैकर फाइनल वर्जन फिक्स्ड, ठीक है, सो यस दिस इज अबाउट इट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड
मेक श्योर जब आप लोग गूगल ड्राइव पे जा रहे हो, ठीक है, लेसन वन देख रहे हो, तो उसके अंदर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है जो एक्सेस कर लेना. उसके अंदर देर इज दिस वीकली असाइनमेंट, मेक श्योर यू डू दैट एज वेल. एंड ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग, वो भी एक ज़रूरी है, ठीक है. और ये जो अभी चार्ट्स वगैरह हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस है प्योर, दिस वी विल जंप ऑन टू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक और सो. DGKC फॉर टुमारो, इट शुड बी समवेयर अराउंड 55.6, वेयर आई वॉन्ट टू कवर इट, ठीक है. अगर मैं इसका बड़ा चार्ट देखूँ तो इसकी कहानी बहुत बुरी है. इट कैन गो डाउन अ लॉट डाउन, और ये यहाँ से अगर ब्रेक हुआ तो दिस का टारगेट बनेगा समवेयर अराउंड, लेट मी सी, आई डोंट वॉन्ट टू से दिस, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू से दिस. सो दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी. अभी फॉर द टाइम बींग टुमारो वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट एट 56, 55.6. एंड अगर वहाँ पे वो हमें रिएक्शन देता है, सो वी विल सी कि वट टू डू विद इट, वील प्रॉब्ली गोना क्लोज इट अगर वो हमें यहाँ पे रिएक्शन देता है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड या बाय बाय.